हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा दूध खत्म होने वाला है। आपकी दूध पिए सुबह सुबह तो आपके भाई हेल्थी रहेंगे आपकी। और सोए ना ज़्यादा, सुबह सुबह उठ जाओ। अभी पता चल रही है स्कूल जाने में वैल्यू। और यहाँ पे मेरी भी चाय, आज मैंने भी टाइम से पी ली चाय। और आज थोड़ा टाइम से हो फ्री, कल तो भगदड़ होती ना, आज थोड़ा फ्री लिया। और आज हम नाश्ते में बना रहे, नाश्ते में नहीं स्कूल के लिए तनिष और बोले पास्ता बना दो, हम पास्ता बना रहे हैं। और रिद्धि रिद्धि पापा सो रखे, दोनों आलसी हैं। मैं भी यही बोल रही तनिष को, तनिष हम दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे है ना, तनिष मेरे जैसे एकदम। कल तनिष को हेडेक हो गया था बहुत ही, अब हेडेक ठीक है ना। चलो मैं भी किचन में जाती हूँ, इसके बाद मिलेंगे थोड़ी देर में आप। तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मुझे दिखी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर येलो कलर के फूल जो कि तोरी में निकल रखे हैं। तो कितना सुंदर लगता है ना जब देखो, तो पूरी थकान मिट जाती है। मैं किचन से काम करके आई, इनको देख कर ना मन खुश हो गया एकदम, इन फूलों को देख के येलो येलो। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ ये सुंदर फूल। वो तो पिंक वाला था ही, बट तोरी में येलो फूल। अब जब तोरी में पूरी बेल बड़ी सी होगी ना, पूरी फैलेगी, तो सब जगह पूरा पीला 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 नज़र आएगा, क्योंकि इसमें ये तोरी में पीले पीले फूल खिलने हैं। और अब शायद इसी महीने से होता है वो बरसात में ना, जुलाई जुलाई अगस्त में पूरा तोरी में फूल ही फूल नज़र आते हैं। चलो किचन में, क्योंकि काम होता सुबह सुबह, तो मैं ज़्यादा एडिट करती नहीं वीडियो। और ये देखिए भी आ गई आपको, यहाँ अंदर से कुछ क्लियर नहीं देने का, बाद में बाहर से दिखाऊंगी। कर रही बच्चों के टिफिन रेडी, इनके फ्रूट्स है, अभी इनका इसमें लंच पैक होगा। अभी मैंने बना रखा है पास्ता और पानी बोतल भर के, मैं ग्लूकोन डी की बोतल दूंगी एक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों के लिए एक बोतल में बना रही ग्लूकोन डी। मैडम है जो कि उठती हुई है, तनिष भैया नहा नहा करके रेडी हो गया। उठ जाओ रिद्धि, जल्दी उठो। तो गाइस अभी बज गए हैं 6:47 और अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। और इधर तैयार हो चुका है मेरा लंच, नाश्ता भी तैयार हो रहा है। और मैं कच्चे बनियान में घूम रहा हूँ, देखो बनियान कच्चा बनियान करके। और क्या बताऊँ, और मैं स्कूल जाऊँगा, फिर क्या, फिर तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, जब मैं स्कूल जाऊँ तब मिलते हैं, बाय। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ परांठा दही के साथ मिक्स करके, दही के साथ परांठा। और ये आलू का परांठा मेरे दो चलो खा मैं भी खा लूँगा, आप तो खाएंगे नहीं खाएंगे, चलो जो आए वीडियो में उसको जो खाते हैं। पर रिद्धि भी उठ चुके हैं, रिद्धि कुछ बोलता हूँ। अबे मैंने बोल दिया, अबे चल कुछ और बोल। तो गाइस मैं तैयार हो गया हूँ, अब देखो रिद्धि करने जा रही है, मैं तैयार हो गया हूँ, पहन लिया मैं पैंट वाइन सब कुछ, मैं स्कूल बैग भी रेडी हो गया, देखो को बैग करना। ये देखो गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊँ, चलो बाद में दिखाऊंगा, अरे बाद में काफ़ी दिखाता हूँ। गाइस मम्मी ने मेरे को बोतल दी है, अब बताओ ये क्या होगा। ये देखो नाम भी लिखा है, गेस गेस। बाय बाय, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, वहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। बाय बेबी, बाय बाय। मैडम यहाँ पे रेडी हो रही है अपने कपड़े पहन के, मैं इनको रेडी करूँगी जल्दी जल्दी से, इनकी गाड़ी भी आने वाली है। बाय बेबी। तो रिद्धि की बोतल गाइस यहीं छोड़ गई जल्दीबाजी में, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। रिद्धि के साथ तो नहीं दिक्कत है, उसकी किताबें उताबें रखने में टाइम निकल गया और ये छूट गया इसका, निकला भी बाहर। गाइस ये है हमारे पेड़ के आम मतलब ये हमारे पेड़ के आम हैं,
हमारे पेड़ के आम समझ लो, हमारे ही पेड़ के आम है। पेड़ के आम है तो हमारे ही पेड़ के आम हो गए, तो इनको खाने में मजा आ रहा है। कैसे खा रहे हैं? कैसे हो रहे रिएक्शन? मीठे। कैसे हो रहे? बहुत टेस्टी। तो मैं भी अब रिद्धि खा रही। कैसे खट्टे मीठे? तो खट्टे मीठे हो रहे हैं। रिद्धि प्लेट नीचे, ये प्लेट में लगाओ नीचे, और मैं भी खा के देखती हूँ कैसे हो रहे हैं। ओरिजिनल आम एकदम मस्त। मैं भी खाती हूँ ये आम जो आप खा रहे ना अभी। वो मार्केट के हैं और नकली आम। चलो ये असली आम है, तो नहीं आप भी खा लो। तो गाइस का आम ना बहुत ही टेस्टी हो रहा है। दुकान के आम भी फेल है इनके चक्कर में इनके सामने बहुत टेस्टी हो रही है। बहुत ज्यादा बट ये वाले अच्छे लगे मुझे, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। बट वो केमिकल डालते थोड़ा सा। तनिष्क आम देखो कितना अच्छा है एकदम, है तनिष्क? ये होती है ओरिजिनल चीज एकदम। पानी आ रहा है आम को देख के, इतना टेस्टी, इतना रसीला और नेचुरल, अपने पेड़ वाला आम नेचुरल चीज है। तो ये हमारे मतलब हमारे पेड़ का ही आम है।